हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं अपनी कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 14, जिसका हमारा टॉपिक है अंग की मात्रा, जिसमें हम यहाँ पे अंग की मात्रा का अभ्यास करेंगे। अंग की मात्रा लगाकर शब्द यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उन्हें हमें यहाँ पर दोबारा लिखकर उनका प्रयास करना है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द हमें क्या दिया है? अंग। क्या दिया है? अंग। तो बच्चों एक बात इसमें ध्यान रखिए कि जो अंग की मात्रा होती है, तो जिस अक्षर के साथ वो हमें सुनाई देती है उसी अक्षर के ऊपर उसको हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अंग। क्या लिखा है? अंग। तो हमें किस अक्षर पे सुनाई दी? अ पे। अ पे अक्षर पे हमें अंग की मात्रा की आवाज़ आई, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह ये शब्द हम इसको दोबारा यहाँ पर लिखते हैं। अंग, 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 अंग। तो देखिए आइए दूसरा देखते क्या दिया है। अंक। क्या दिया है? अंक। इसमें भी हमें अ के साथ सुनाई दे रही है, तो इसीलिए ये अ के ऊपर हमने अंक की मात्रा लगाई है। इसे दोबारा लिखते हैं। अंक, अंक। जिस अक्षर पे सुनाई देगी उसी अक्षर पे हमें अंग की मात्रा लगानी होती है। तीसरा शब्द क्या दिया है हमें? ढंग। क्या दिया है? ढंग। तो ढ के साथ हमें अंग की मात्रा की आवाज आ रही है, तो इसको हम ढंग पे ही लगाएंगे अंग की मात्रा और शब्द यहाँ पे लिखेंगे ढंग, ढंग। इसी तरह नेक्स्ट देखते क्या दिया है। बंगला, बंग ला, बंगला। तो इसी तरह ब पे सुनाई दी, तो हमने इसको कहाँ लगाया है? ब के ऊपर। तो इसी तरह इसको लिखने का प्रयास करते हैं। बंगला, 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 बंगला। नेक्स्ट क्या है? पलंग, पलंग। तो हमें किस अक्षर पे सुनाई दी? ल पे। इसीलिए हमने इसको कहाँ लगाया? ला अक्षर के ऊपर। तो आइए लिखते हैं दोबारा से इसे। पलंग, पलंग, पलंग। ल अक्षर पे हमें सुनाई दी, तो हमने इसे ल पर लगाया, पलंग। तो बच्चों इसी तरह कुछ और शब्द आपको पेज नंबर 14 पे दिए गए हैं, उनको भी इसी तरह लिखने का प्रयास करिए। मिलते हैं नई कक्षा में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।